डॉक्टर लक्ष्मण जी, डॉक्टर लक्ष्मण, क्या आपको लगता है कि आरएसएस जो मोदी की बदनामियां हैं, जो मोदी की नाकामियां हैं या दुष्कर्म कह लें, जो भी कह लें, उससे अपने को डिस्टेंस कर रहा है? ये जो कुछ भी किया है मोदी जी ने किया है, अपने को अलग रखो, अपने को साफ सुथरा रखो। हमने पूर्वोत्तर में काम किया, उसको भी बचा के रखना है। मणिपुर का ठीकरा अमित शाह या मोदी पे फोड़ दो, हमारी छवि दुरुस्त रहे, क्योंकि हमें तो लंबे समय काम करना है। ये तो आते जाते रहेंगे, दूसरे मोदी आ जाएंगे, तीसरे आ जाएंगे, क्या इसके पीछे ये स्ट्रेटजी है? बिल्कुल मुकेश जी, मुझे याद आ रहा है कि आरएसएस वह संगठन है जो ये अपने को साफ पाक इतना रखता है कि 2004 के बाद का शायद वाकया होगा, पुराने लोग सब जानते होंगे, जब जिन्ना की तारीफ कर दिया था उस व्यक्ति ने जो राम मंदिर आंदोलन के पोस्टर बॉय के रूप में, रथ यात्रा के रूप में सबसे अगुआ हुआ करता था। उसके बाद से आरएसएस ने ऐसी दूरी बनाई और 2009 के आते आते और दूरी बनाई, और अब तो ऐसा रास्ता बनाया कि वो मार्गदर्शक मंडल में जाके उसी दिन तस्वीरें आती हैं जिस दिन आशीर्वाद लेना होता है। ये आरएसएस का चरित्र है। आरएसएस अपने विचार को केंद्र में रखता है, व्यक्तियों को तब तक इस्तेमाल करता है जब तक वो उनके विचार के मुताबिक उनके उनके पूरे कल्चरल हेजेमनी को स्टेब्लिश कर दे। वो वर्चस्ववादी विचार है बेसिकली आरएसएस का, वो थोड़ी सी जातियों का, थोड़े से तबके का एक हिंदूवादी वर्चस्व कायम रहे, तो इसलिए आरएसएस ऐसा करता रहा है, इसलिए इसे आप इस रूप में बेशक देख सकते हैं। लेकिन मैं बार बार प्रेम कुमार जी ने जो सवाल उठाया, मैं उसे थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। क्या आरएसएस वाकई गैर राजनीतिक संगठन है? क्या वाकई आरएसएस का राजनीति से कोई रिश्ता नहीं है? इसमें गहरा संदेह पैदा होता है उनके इस तरह के बयानों के बाद। बाकी तो जग जाहिर है कि आरएसएस के कार्यकर्ता कैसे बीजेपी में जा करके बीजेपी में सीधे राजनीति भी करते हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो बूथ मैनेजमेंट से लेकर के ग्रास रूट लेवल तक उस झूठ को पहुंचाने में भी कारगर होते हैं जिस झूठ को न पहुंचाने की बात आज आरएसएस प्रमुख ने अपने बयान में की। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में तो सच के साथ रहना चाहिए, क्योंकि एक झूठ उनके साथ चिपक गया था इस चुनाव में, और उस वो जब उनके तीर पलट कर आया तब उन्हें लगा। लेकिन ये वही आरएसएस है जिसने गांधी के बारे में झूठ फैलाने में कोई कसर नहीं बाकी रखी, जिसने नेहरू को बदनाम करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, जो अंबेडकर को। तो ये एक एक चीज है। मैं कहना ये चाहता हूं कि क्या वाकई ये गैर राजनीतिक संगठन है? इसका इसका मेरा मेरा प्रश्न ये है कि आपको मणिपुर की याद कब आई? जब चुनाव बीत गया। आपको भाषा में प्रतिपक्ष कैसे आया याद? विपक्ष की जगह प्रतिपक्ष। मैं हिंदी, हम लोग हिंदी के विद्यार्थी, हम जानते हैं कि इसमें दोनों में अर्थ में बहुत गहरा अंतर है। मुख्यमंत्री जेल में जा रहे थे प्रतिपक्ष के, आपको उसकी चिंता नहीं याद आई तब, और प्रतिपक्ष के लोगों पर ईडी और सीबीआई डाल करके पूरी की पूरी सरकारें गिरा दी गई और पार्टियों को तोड़ करके अपने खेमे में मिला लिया गया, तब वो प्रजातंत्र का प्रतिपक्ष ने याद नहीं आया। उसके बाद मणिपुर की याद आई। मेरा मेरा आरोप ये रहेगा कि असल में ये कोई उनको फेस सेविंग नहीं है। सब सब लोग जानते हैं, गांव का भी आदमी जानता है कि आरएसएस और बीजेपी गंगाधारी शक्तिमान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही लोग हैं, एक ही के लिए काम करते हैं। आपके सवाल में ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो मणिपुर से अपने को डिसोसिएट कर लें, वो इस हार से खुद को अलग कर लें, लेकिन आरएसएस पूरी तरह इनको मजबूत करने में शामिल रही है। और कहने को तो वो भी यहां तक कह दिए कि एक तरफ कहते थे 2015 में आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, बिहार चुनाव हार गए तो पिछले दिनों बोलते फिर रहे कि 2000 साल तक शोषण हुआ है, 200 साल तक तो आरक्षण रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि संघ प्रमुख कभी कभी संत और फकीर बनने की कोशिश करते हैं, जैसे ये दोनों बयान उनके बड़े अच्छे बयान है, बहुत प्यारे बयान है, लेकिन उसके पीछे की राजनीति पूरे देश की जनता समझती है कि असल में आप बीजेपी को बचाने के लिए और अपना चेहरा बचाने के लिए इस तरह की चीजें मुखौटे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जी जी लक्ष्मण जी, अब अंत में मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं कि ये एक मोटे तौर पर तो चीजें खुल गई कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं, लेकिन क्या ये जो संविधान वाला मसला इस पूरे चुनाव पे छाया रहा, उसमें आरएसएस को अंदर तक हिला दिया? क्योंकि वो हिंदुत्व की जो छतरी बनाई थी वो छिन्न भिन्न हो गई, तो जो बड़ी हार का कारण भी वही बना है कि गांव गांव तक वो पहुंच गया कि संविधान संविधान संविधान।
अब ये खतरा जो है, ये संघ देख रहा है कि एक पूरा जो वर्ग है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, और जो रिजल्ट आए हैं उनके एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे आप कि दलितों और पिछड़ों में कांग्रेस ने फिर से अपनी पैठ बना ली। बेशक बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ा है, लेकिन इन वर्गों में कांग्रेस बड़े पैमाने पर घुस गई है या दूसरी पार्टियां घुस गई। तो क्या आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा खतरा आरएसएस ने देख लिया है कि हिंदुत्व बिखर रहा है, उसकी चिंता हिंदुत्व है, मोदी नहीं? जी जी ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया, क्योंकि इस चुनाव में तकरीबन 3 महीने मैंने उत्तर प्रदेश को बहुत करीब से देखा, और उस उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि में मैं इस सवाल को देख रहा हूँ। एक तो बड़ा दिलचस्प है कि जब जो काम जातियों के साधने का जब अमित शाह करते थे तो वो चाणक्य कहे जाते थे, और जब यही काम सपा, आरजेडी या कांग्रेस करने लगे तो ये कहा जाता है कि जातिवाद बढ़ा रही है। लेकिन बीजेपी के सूत्र जो था यूपी में कामयाब होने का, और बाकी राज्यों में भी कमोबेश यही था। कहीं अब जैसे उड़ीसा में आप देखें कि आज ही एक आदिवासी तबके के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, मध्य प्रदेश में ओबीसी मोहन यादव और खासकर यादव बनाया गया ताकि उत्तर प्रदेश में कैसे उसका उपयोग कर सकें। ये है बीजेपी की पॉलिटिक्स। और पिछले दिनों चुनाव के ठीक पहले पूरा विमर्श जाति केंद्रित हो गया था, जब बहुत बुलंदी से जातिवार जनगणना की मांग उठी, बिहार में खुद नीतीश कुमार और उन लोगों ने उठाया, फिर वो धीरे धीरे बहुत जब जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे बीजेपी उस पर घिरती चली गई। फिर वो बीजेपी जाति पर जवाब देने लगी थी जो असल में जाति की राजनीति को नकारती है, जो आरएसएस कहता है कि सब हिंदू हैं, जाति पर बात नहीं करते। दो काम आरएसएस ने किया था मुकेश दा पिछले दिनों, हर एक जाति पर किताब निकलवाई है। मुझे लग रहा है 2 या 3 साल पहले की बात होगी, उसका नाम कुछ ऐसा है जैसे कुर्मी एक जाति है, तो कुर्मी हिंदू इतिहास, कोइरी हिंदू इतिहास, कश्यप हिंदू इतिहास। इसका मतलब वो ये कह रहे थे या आरएसएस का नैरेटिव ये है कि ये सारी जातियां हिंदू हैं, और जब वो हिंदू के विमर्श को मजबूत करते हैं तो असल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत की तरफ ले जाने का एकमात्र रास्ता यही है कि वो हिंदू वाला नैरेटिव मजबूत हो। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस चुनाव में जैसे ही संविधान बदलने वाली बात आई सामने, यह इस देश में 90 के बाद तो एक लंबे आंदोलन पहले भी चलते रहे, सामाजिक न्याय के आंदोलन चले हैं, आप चाहे डीएमके तमिलनाडु की बात करें या उत्तर भारत की बात करें, तो उन सामाजिक न्याय के आंदोलनों ने जातियों में राजनीतिक चेतना मजबूत की, और जैसे ही वो चेतना मजबूत की तो उस चेतना ने कम से कम इतनी समझदारी तो दिखी है, बीजेपी ने उस चेतना का इस्तेमाल कैसे किया कि अमुक अमुक जातियों ने ज्यादा ले लिया है, आपको वहां हक नहीं मिला, आइए हमारे पास, हम आपको हक देंगे। तो ये एक बार चला, दो बार चला, और मैं अभी भी ये नहीं कह रहा हूं कि तीसरी बार बिल्कुल नहीं चला है, लेकिन डेंट बहुत बड़ा लग गया, क्योंकि उस तबके में भी ये लगा कि मिला तो आपसे कुछ है नहीं, और दूसरे अब संविधान बदलने के लिए आपके लोग कहने लगे। इसलिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे ही वो गया, और इसका उदाहरण मैं फिर से उत्तर प्रदेश से दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी हो गई, और अखिलेश यादव के पीडीए ने, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के स्लोगन ने, टिकट वितरण ने उन जातियों को टिकट दिया अखिलेश यादव ने, जिन जातियों पर का अधिकांश वोट पिछले कई बार से बीजेपी की तरफ गया था। और जैसे ही ये प्रयोग किया वैसे ही आप देखेंगे कि अयोध्या हार गए। अयोध्या एक सामान्य सीट है, और सामान्य सीट पर एक दलित उम्मीदवार है अवधेश पासी, उनको दिया गया, पासियों का वोट वहां 4 लाख के तकरीबन है, बाकी जो सपा और कांग्रेस के वोट थे वो सब जुड़ गए, अयोध्या बीजेपी हार गई, और एक बौखलाहट आई कि अयोध्या गद्दार, अयोध्या में गद्दार कौन है, गद्दार, अचानक से हिंदू एकता छिन भिन हो गई। तो ये एक प्रयोग है, और निश्चित रूप से आप पिछले दिनों का कांग्रेस का पूरा पैटर्न देखिए, वो बार बार दलित पिछड़े आदिवासियों पर गए। लक्ष्मण जी, ये एक प्रयोग है, उसकी सफलता एक अलग चीज है, भागवत जी की चिंता इससे जुड़ी हुई है। मैं उस तरफ आपका ध्यान खींच रहा था, बल्कि सभी का भी, कि हो सकता है कई चीजें एक साथ हो रही हों,
इस पूरे भागवत विमर्श का मकसद ये भी हो कि बीजेपी को अपने नियंत्रण में लेना है, मोदी जो अनियंत्रित हो चुके थे उनको कंट्रोल करना है, जो कोएलिशन पॉलिटिक्स का मामला बन गया है उसमें कैसे रास्ता ठीक किया जाए, कैसे जब विपक्ष इतना मजबूत हो गया है कि अब इस सरकार को चलाना मुश्किल होगा, फिर जो हिंदू मुस्लिम किया मोदी जी ने पूरे चुनाव के दौरान, बल्कि 10 साल से वो ही कर रहे हो, तो वो उसको वो कहीं और बिगाड़ ना कर दे, क्योंकि इन जातियों के साथ मुसलमानों का भी पोलराइजेशन हुआ और जब ये कॉम्बिनेशन बन गया जैसे आपने पीडीए किया कहा तो अब और ज्यादा नुकसान हुआ, तो ये उल्टा भी पड़ रहा है, ये भी एक खतरा। जी मैं यही यहीं पर आ ही रहा था, बिल्कुल आपने जो बात कही है वही इसका निचोड़ है। अब बीजेपी इसका नुकसान बीजेपी ने उठाया, लेकिन आरएसएस को अपने नुकसान और नफे की बहुत दूर तक चिंता रहती है। वो एक ऐसा संगठन है जिसका दावा यह है कि वो 25-50 साल बाद की तैयारियां किए हुए हैं, और वो तैयारी तब तक मुकम्मल नहीं होगी या उनकी उनकी पॉलिटिक्स आरएसएस की पॉलिटिक्स तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक कि वो हिंदू विमर्श को मजबूत ना करें।